इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मेरा नाम है तरुण कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए अब आपको बताते हैं अभी तक की ताजा खबर। खबर मध्य प्रदेश के जयसिंह नगर से है, जहां से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला प्रकाश में आया। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली 15 पंचायतों के जिम्मेदारों द्वारा पंचायत मद से राशि का आहरण कर, यानी कि उस पैसे की चोरी छुपे प्रयोग करना जिसके लिए चुनाव आयोग द्वारा मंजूरी नहीं दी गई, का उल्लंघन किया गया है। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए मीडिया को बताया कि इतने बड़े पैमाने पर आदर्श आचार संहिता का लागू होने के बाद भी राशि आहरण जिम्मेदारों की मिली वजह प्रतीत होती है, जिसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारियों को की गई है। अगर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर कार्यवाही नहीं की गई तो युवा कांग्रेस मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को खत के माध्यम से आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले से अवगत कराएगा। लेके आए थे आप, जैसे चुनाव आयोग ने आचार संहिता घोषित कर दी पूरे मध्य प्रदेश में, उसके तत्काल बाद ग्राम जनपद पंचायत जयसिंह नगर के कुछ ग्राम पंचायतों ने आचार संहिता का उल्लंघन कर पंचायत के शासकीय विकास कार्यों के लिए आए हुए पैसा का गमन कर किए हैं, उसी की शिकायत और जांच के लिए आए। क्या कौन से कार्य हैं उन कार्यों के बारे में और कौन सी ग्राम पंचायतों का काम? ग्राम पंचायत कई हैं, जिसमें चेहरा, टटका, पथवार, मुदरिया टोला, कुगरा, कतिरा, जोरा, हिड़वा, घियार, बिनेका, बिजहा, भारी बांसा, बनचाचर, अबनौड़ी पश्चिम। कितने का लगभग घोटाला? मतलब एक पंचायत कम से कम एक ही दिन में 20-20, 15-15 बिल लगाकर पैसे निकाले हैं, और समथिंग 5 लाख से ऊपर ही सभी का पेमेंट हुआ। अभी ज्ञापन दिया आपको, उन्हें कुछ आश्वासन दिया आपको जांच के विषय? हाँ, बोले तो हैं। क्या बताएं? बोले हैं कि जल्द कार्रवाई होगी आचार संहिता का उल्लंघन। नाम क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। कहाँ से आए हैं? बिहारी। कौन से पद पे हैं आप? कुछ पार्टीगत भी? युवा कांग्रेस जिला महामंत्री शहडोल। ठीक। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर और हर खबर से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। नमस्कार। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।